5 साल पहले बिहार से नोएडा शहर में आया था अमन अपना एक सपना लेकर, और सपना था बहुत पैसा कमाना, और उसने वैसा किया भी, बहुत पैसा कमाया। लेकिन समय के साथ साथ उसका वो सपना बदल गया, और अब उसका नया सपना था राजो। वो राजो का प्यार पाना चाहता है हर कीमत पर। हे राजो, कैसा उदास बैठे रही? आ गया तू? तो तेरे को क्या लगता था नहीं आएंगे? अरे कैसे नहीं आएंगे, प्यार करे रहे रे तोरे से। प्यार? अरे इतना प्यार करते हैं राजो, इतना प्यार करते हैं, तोरे प्यार के खातर ना अपना जान दे भी सकत हैं और किसी का जान ले भी सकत हैं। अच्छा, जान ले सकता है तू? और नहीं तो क्या राजो, झूठ मानती हो? ले लो फिर। यही है वो जिसकी जान लेनी है। हे मंगलवा, हथियार लोड है वा? फुल्ली लोड। निकालो। मैं ये नहीं, मैंने कहा था उसकी जान लेनी है, उसकी जान वो लड़की है, समझा कुछ? का बोले उरे राजू, अब लड़की का जान लेवाओगे, कब पाप कराओगे हमसे? मर्डर करने के लिए कब बोला है, बस उसको उससे अलग करना है। काय पहेलिया बुझा रही हो री राजो, साफ साफ बताए वो क्या करना है हमको? तुम्हें उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाना है। पर हम तो तोरे से प्यार करे रहे रे राजो। पर मैं जानती हूँ ना मेरे राजा, पर तुझे उससे झूठे प्यार का नाटक करना है, मेरे लिए करोगे ना? ओ काहे नहीं करेंगे राजो, तोरा कोई बात इनकार किए है क्या कभी? तू तो यही समझ राजो, ये छोरी हमारे प्यार में पड़ गई। चल मंगल, ठीक बा, हम देख लेंगे अपने आप। यार मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ यार, आज तुम बता ही दो, मैं भी तुम्हें काफी दिन से नोटिस कर रहा हूँ। यार मेरे दिल में तुम्हें लेकर हलचल है, इसलिए मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने आई हूँ। अच्छा ठीक है, कहो। यार दरअसल मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। मुझे ना तुमसे ऐसी ही बेशर्मी की उम्मीद थी, अब मेरी बात कान खोल कर सुनो, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। ए मंगलवा, ओ जैसन जैसन हम तो उसको समझाए रहे, वैसन वैसन करो तो तनिक जाके। यार ये तेरा फॉर्मूला चल भी जाएगा ना? ए मंगलवा, ये फॉर्मूला उस जमाने से इस जमाने तक एकदम बेस्ट चलत रही, कभी फेल ना हुई। चल जा रहा हूँ। तो ए, चलती है क्या 9 से 12? अपना ही चलचित्र है हमारा। तो साले लड़की छेड़ता क्या? भाई भाई मैं ना छेड़ रहा हूँ, छिड़वा रहा हूँ मैं। बहू कौन छिड़वा रहा, वहां तो कोई भी नहीं है। ए मंगलवा, हमको तो लागत है कछाओ दिन के लिए रे मंगलवा, हमको अपना बिहारी भाषा और बिहारी पहनावा अलमारी में रखन बारी, ये लड़की को पटाने के चक्कर में कछाओ और जुगाड़ करन बारी, हम ही लड़की को ना उही की भाषा में पटावन बारी, पूरा थोबरा बिगाड़ दिए रे। अब तो अकल आ गई होगी, तो अब तो तेरा एक भी फॉर्मूला काम ना करो, छोड़ के भाग गए जब तक। अरे बहन जी, ये आपका रुमाल गिर गया था वहाँ पे। अरे थैंक यू यार। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो फर्ज है मेरा। यार तुम बहुत अच्छे और संस्कारी लड़के लगते हो। यार ये तो आपके देखने और समझने के नज़रिए की अच्छाई है, और आपका ये नज़रिया ये भी साबित करता है कि आप खुद बहुत अच्छी हो और बहुत आदर्शवान हो। अरे थैंक यू थैंक यू। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नाम सपना। यार आपसे मुलाकात होना मेरे लिए खूबसूरत सपने जैसा है, मैं समय की सुई को वापस तो नहीं घुमा सकता, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बोलो। यार दरअसल मैं चाहता हूँ अभी जो हमारे साथ वाक्य हुआ
मैं चाहता हूँ हम इसको फिर से दोहराएं, मतलब आपका रुमाल फिर से गिरे, मैं आपको आवाज़ फिर से लगाऊं, मैं आपका नाम फिर से पूछूं, अगर आप परमिशन दें तो। ठीक है। अरे सपना जी, आपका ये रुमाल गिर गया। अरे थैंक यू। एक टूटा टूटा ख्वाब था जो तुझसे था जुड़ा, एक आधी आधी आस थी जो पूरी हो गई, तुम मिल गए तो जाने क्यों ये दूरी हो गई। अच्छा वैसे आपका नाम क्या है? वही तो है अभी जो आपने लिया। अच्छा इन दोनों वाक्यों में तुमने कुछ डिफरेंट नोटिस किया कि कुछ अलग हुआ हो? हाँ लगा, इस बार आपने मुझे बहन जी नहीं बोला। सुपने में एक देखी हूर कमाल की, उम्र न जाकत 15-16 साल की, हो 16 साल की। गोरा गोरा रूप हूर कति दिल में आग लगावे थी, जी में जिसा गल जावे जब मेरी ओढ़ लखावे थी, हिरे नागन जैसी काली चोटी। यार सपना कहाँ हो आजकल, तुम तो गायब ही हो गई। अरे यार वो सब छोड़, तो इससे मिल गए है अमन। हेलो अमन। नमस्ते भैया। अरे आप भैया क्यों बोल रहे हो यार, सिंपल नाम ले सकते हो। अरे भैया वो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है तो। देखा कितनी अच्छी सोच और संस्कार है अमन की, सच अ वेरी गुड थिंकिंग अमन। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा चलो प्रतिभा, एक दोस्त का बर्थडे है उसमें चलना है। अरे यार सॉरी अजय, मैं ना अभी थोड़ी देर पहले ही अमन को प्रॉमिस कर चुकी हूँ डिनर के लिए, सो चले अमन। हाँ चलो। मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो, ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके, धीरे धीरे क्यों दफनाने लगे हो। ए मंगलवा, यहाँ काय लाए रहे बे, कौन जरूरी काम रही? ए आ, चल कुछ कहूँ मैं। अमन ये क्या चल रहा है, ना तो मेरा फोन उठाता है ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई करता है, जो ये चल रहा है ना मुझे अच्छे से पता है, तुम क्यों इग्नोर कर रहे हो मुझे? हम इग्नोर किए और हम जो 2 साल से बराबर तोरे को बोले रहे रही राजो कि हम तोरे से प्यार करे रहे, तुम इग्नोर नहीं किए। अमन प्यार ऐसे नहीं होता, फीलिंग भी होनी चाहिए। मैं आपको ना बहुत अच्छा दोस्त समझती हूँ, आपको कभी नहीं खोना चाहती। हो ना, खो तो दिए हो राजो, खो तो दिए हो। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ सपना है, हमारा दोस्त, हमारा प्यार, हमारी जिंदगी सिर्फ सपना है, सिर्फ सपना। सपना, लेकिन तेरा ना ये सपना ही रह जाएगा, क्योंकि कल ना मैं उसको मिलकर ना सारी सच्चाई बता दूंगी तेरी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कल अमन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। क्या तुम अजय को प्यार करते हो? प्यार अजय को नहीं, वो तो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। और मैं? तुम थोड़ा कुछ खास। क्या तुम मुझे प्यार करते हो? हाँ शायद। यार मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और अफसोस इस बात का है कि तुम मेरी हकीकत नहीं जानती। हकीकत? कैसी हकीकत? दरअसल बात कुछ ऐसी है। दरअसल यार मैं किसी और को प्यार करता था, और उसी के कहने पर मैं आपसे झूठे प्यार का नाटक करने आया था, लेकिन मुझे ही पता नहीं लगा मैं तुमसे कब सच्चा प्यार करने लगा। मैं तो अपना पहनावा और अपनी भाषा बदल कर तुम्हारे करीब आना चाहता था, लेकिन यार तुम्हारी अच्छाइयाँ देखकर मुझे एहसास हुआ है कि मुझे अपने वास्तविक चरित्र में लौट जाना चाहिए। मेरी बहन, जिंदगी में 2 तरह के लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं, एक तो वो जो अपने दोस्तों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे, और दूसरा वो जो अपनी माँ बाप की परवरिश पर सवाल करे। हाँ मैंने भी किसी फिल्म में सुना था, अगर तुम किसी से सच्ची मोहब्बत करो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है, पर यहाँ तो किसी कुत्ते ने खेल बिगाड़ दिया। अरे मंगलवा,
तनिक पकड़ो बे, क्योंकि इनको हमार भाषा में तो कछु समझ आएगा नहीं ना, तो इनको इनके भाषा में हम थोड़ा समझा देते हैं। नहीं अमन, दोस्त है वो मेरा। देखो मैं तुम लोगों को बस इतना बोलना चाहता हूँ कि आसान नहीं होता जीवन के हर किरदार को निभा पाना, इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। यहाँ दो तरह के किरदार हैं, एक किरदार तुम लोगों का है, ये तुम्हें प्यार करती है, तुम किसी और को प्यार करते हो, जिससे तुम प्यार करते हो वो किसी और को प्यार करती है, लेकिन हम दोनों का किरदार ना बिल्कुल एक जैसा है, ये मुझे प्यार करती है और मैं इसे प्यार करता हूँ। है भाई, तुम्हारा भी किरदार हैगा, इनको भी किरदार हैगा, और इनके भी किरदार हैंगे, हम भी कुछ बोल सके हैं समाज में, हम वैसे ही खड़े कर रखे हैं। हाँ हाँ बोल, तू भी बोल ना। भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। भवरे तू कहना ना भूल, फूल तेरा हो गया। बीच सफर में कहीं मेरा साथ छोड़ के, तुझको कसम है नहीं जाना दिल तोड़।